अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ सेल डिवीजन। क्या है सेल डिवीजन? द बेस्ट एग्जांपल इज़ जब आप अपने नेल्स कट करते हैं या आप अपने हेयर्स की कटिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद हमारे नेल्स दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं या हमारे हेयर्स दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आपको स्किन पे कट लगता है तो स्किन की कटिंग या जो आपको कट लगा होता है वो थोड़े टाइम बाद रिपेयर हो जाता है, हीलिंग हो जाती है उसकी, और वो दोबारा से एक न्यू कवरिंग आपके पास आ जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हर वक्त डिवाइड करते रहते हैं, जैसे कि हमारी स्किन के सेल्स, हमारी इंटेस्टाइनल वॉल के सेल्स या एम्ब्रियो वगैरह, जबकि दूसरी तरफ कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते या बहुत कम डिवाइड होते हैं, जैसे हमारे हर्ट के सेल्स आ जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स आ जाते हैं और नर्व सेल्स आ जाते हैं। अगर सेल डिवीजन की काइंड्स की बात करें तो सेल डिवीजन की दो काइंड्स हैं। सेल डिवीजन नाम से क्या पता चल रहा है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड हो जाता है, जो पुराना या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वो डिवाइड होकर नए डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, और वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम सेल डिवीजन की काइंड्स की बात करें तो दो काइंड्स हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। माइटोसिस वो डिवीजन है जो कि सोमेटिक सेल्स में होती है, मियोसिस वो डिवीजन है जो कि सिल्क सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स से मुराद वो सेल्स जैसे हमारे नेल्स के सेल्स हो गए, हमारे हेयर्स के सेल्स हो गए, जबकि मियोसिस जो सेक्स सेल्स में होती है वो हमारे सेक्स सेल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल स्पर्म और एग आ जाता है, उसमें जब फर्टिलाइजेशन होती है जायगोट की फॉर्मेशन होती है और एज अ रिजल्ट डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी टाइप ऑफ डिवीजन को क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अब हमने देखा कि सोमेटिक सेल्स हैं और सेक्स सेल्स हैं। सेक्स सेल्स इज ऑल्सो नोन एज जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स वो बॉडी सेल्स होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे नेल्स के सेल, जब नेल्स में डिवीजन होती है तो उस डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं, और उसमें पुराने सेल्स जब नए सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल पुराने सेल्स से नए सेल्स में पास नहीं करता, ऐसे सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। जबकि सेक्स सेल्स और जर्म सेल्स की अब बात करें तो सेक्स सेल्स और जर्म सेल्स में जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है तो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी आता है, यानी कि प्री एग्जिस्टेंस सेल्स से डॉटर सेल में भी आता है। ऐसे सेल्स को जर्म सेल कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो माइटोसिस सोमेटिक सेल में होती है, ऐसे सेल्स के पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं, जबकि जो जर्म सेल्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं जैसे स्पर्म और एग, उनके पास सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि माइटोसिस, याद रखिएगा, सोमेटिक सेल में होती है, और सोमेटिक सेल में जेनेटिक मटीरियल भी ट्रांसफर नहीं होता, और सोमेटिक सेल में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो कि स्पर्म और एग्स में होता है, सिंगल नंबर ऑफ या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ऐसे सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं, और इनमें जो डिवीजन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस हमने पहले डिस्कस कर दिया, वो डिवीजन है जो कि जिसमें सोमेटिक सेल यूज होते हैं और सोमेटिक सेल्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर हम माइटोसिस की तरफ आएँ तो माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड सेल, जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, वो जो डॉटर सेल बनाएगा उसके पास भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सोमेटिक सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है उसके पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और एक और चीज़ भी कि जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में जब पेरेंट से डॉटर की फॉर्मेशन होती है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि तीसरी चीज़ आ जाती है कि जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस के रिजल्ट में एक डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करता है, और दोनों डॉटर सेल के पास क्या होते हैं? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल साइकिल, इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, कि सेल डिवीजन क्या होती है, उसकी काइंड्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी काइंड है, जनरली हमने देखा था। आज हम स्पेसिफिकली बढ़ते हैं कि एक सेल डिवाइड कैसे होना स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, सेल डिवीजन के या सेल साइकिल, जो कंप्लीट एक सेल का साइकिल होता है, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे उसमें उसके बॉडी पार्ट्स की सिंथेसिस होती है, फिर वो डिवाइड होता है, फिर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट करता है, तो ये जो कंप्लीट एक साइकिल है ये दो स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है, ये दो प्रोसेसेस पे कंसिस्ट करता है। एक आ जाता है इंटरफेस और दूसरा आ जाता है माइटोसिस। यहाँ पे अब आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कि इंटरफेस लिखा हुआ है।
ये जो इंटरफेज है ये स्टार्ट हो रहा है, ये फर्दर कंसिस्ट करता है थ्री सब फेजेस पे। हमने ये कहा कि जो सेल साइकिल है वो दो मेन फेजेस पे कंसिस्ट करता है, एक इंटरफेज और दूसरा माइटोसिस। तो अब इंटरफेज के सब फेजेस कौन कौन से हैं? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। आपको एरो से नजर आ रहा है कि आपका जो इंटरफेज है सेल साइकिल का वो कितना बड़ा है, यानी कि आपका जो सेल है अगर वो अपनी ग्रोथ और डिवीजन की बात करें तो ग्रोथ का टाइम भी उसका ज़्यादा होता है, सिंथेसिस का टाइम भी ज़्यादा होता है, जी टू फेज भी उसका ज़्यादा होता है, जबकि माइटोसिस का थोड़ा सा अर्सा होता है। कहने का मकसद ये हुआ कि एक सेल जो दो टाइप ऑफ फेजेस पे कंसिस्ट करता है उसका लॉन्ग फेज कौन सा आ जाता है? इंटरफेज आ जाता है। ये आ जाता है एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको नजर आ रहा है कि इंटरफेस कितना बड़ा है। अब इंटरफेस के सब फेजेस की तरफ आते हैं। याद रखिएगा इंटरफेस फर्दर फाइव फोर सब फेजेस पे कंसिस्ट करते हैं। G1 फेज आपके पास है फर्स्ट फेज, S फेज सेकेंड फेज और G2 फेज थर्ड फेज। इसमें एक फेज मिसिंग है जो कि G0 फेज होता है। G0 फेज G1 फेज से पहले आता है और उसमें यह होता है कि जो नया बना हुआ सेल होता है ना वो थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करता है, उसकी रेस्टिंग कंडीशन होती है। उसके बाद G1 फेज आ जाता है। G1 फेज में सेल थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ के बाद S फेज आ जाता है जिसमें उसकी बॉडी में DNA की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है G2 फेज जिसमें उसकी सेल की फर्दर डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट के रिजल्ट में वो अपने आप को रेडी कर लेता है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा सा फेज आ रहा है जिसे हम माइटोटिक फेज कहेंगे, और ये भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। और फिर माइटोसिस कंप्लीट करने के बाद जब दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि माइटोसिस के रिजल्ट में एक सेल दो सेल बनाता है, तो वो दो सेल दोबारा से इंटरफेस कंडीशन में चले जाते हैं। यानी कि जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस पे कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट फेज इज लॉन्ग फेज जिसमें G0, G1, S एंड G2 फेज आ जाता है। ये G जो है ये गैप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही ग्रोथ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि S जो है वो सिंथेसिस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको स्पेसिफिक होकर बता दिया गया है कि इंटरफेज में G1 फेज है, ग्रोथ फेज है, S फेज सिंथेसिस फेज है, DNA रेप्लिकेशन होती है। अच्छा, DNA रेप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है, आप अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसे। लेकिन जनरल मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो सेल के अंदर, सेल का जो बॉडी होती है उसके अंदर DNA की कॉपीज बनती हैं। कॉपीज का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा DNA की फॉर्मेशन हो जाती है, उसी का सेम कॉपी जो है वो बनने लग जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। और फिर सेकेंड आ जाता है जो लास्ट इंटरफेज का फेज है, वो है G2 फेज जिसमें फाइनल प्रिपरेशन होती है DVN के लिए। और अब जो है वो हमारा सेल किसके लिए तैयार हो गया है? DVN के लिए रेडी हो गया है, और उसमें DVN होती है माइटोसिस जिसे हम कहते हैं, और माइटोसिस के रिजल्ट में दोबारा से दो डॉटर सेल बनते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइटोसिस के रिजल्ट में दो डॉटर सेल बनते हैं, और वो डॉटर सेल दोबारा से फिर इंटरफेज कंडीशन में चले जाते हैं। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि सेल डिवीजन की जो बेसिक्स है वो क्या है, कि याद रखिएगा कोई भी सेल, कोई भी न्यू सेल खुद से नहीं आ जाते बल्कि न्यू सेल पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक हो गया। और ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है। अब हमने देखा कि इंटरफेज में ग्रोथ भी हुई, रेप्लिकेशन भी हुई, फिर दोबारा से डिवेलपमेंट भी हुई, तो फाइनली नया सेल नहीं बना। कहीं पे इंटरफेज में न्यू सेल की फॉर्मेशन हुई? नहीं हुई। तो नया सेल कब बनेगा? जब वो माइटोसिस उसके अंदर होगी सेल के अंदर, और एज अ रिजल्ट माइटोसिस के न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई। जैसे यहाँ पे भी क्या हुआ? माइटोसिस हुई, डिवीजन हुई और दो डॉटर सेल्स बन गए। थैंक यू। यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे माइटोसिस।